हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और दोस्तों, स्कूल कॉलेज खोलने के फैसले को लेकर दोस्तों पूरी तरीके से मंजूरी मिलने के बाद दोस्तों अब SOP जारी कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के अंदर स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर SOP जारी करने के बारे में दोस्तों पूरी तरीके से अच्छी खुशखबरी सामने आ चुकी है। सो गाइस, पूरा वीडियो एंड तक देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो के अंदर आपको संपूर्ण खबर मिलने वाली, वीडियो के अंदर दोस्तों पूरी जानकारी मिलेगी SOP के अंदर आपको क्या कुछ दोस्तों बैठक व्यवस्था रहेगी और दोस्तों कैसे क्या कुछ नए दिशा निर्देश रहेंगे। और स्कूल कॉलेज खोलने का जो फैसला है उसको पूरी मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन दोस्तों स्कूल कॉलेज अभी भी ऐसा संदेह है, लेकिन दोस्तों अभी तक स्कूल कॉलेज खोलने की पूरी डेट फिक्स 1 सितंबर ही है। सो गाइस, चलिए बात कर लेते हैं SOP के बारे में, SOP जारी करने को लेकर दोस्तों। तो गाइस, SOP यदि आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करना पड़ेगा, ताकि दोस्तों आप यदि कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ऐसे दोस्तों मैंने उसको एक टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल रखी है, लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि SOP के अंदर आपको क्या कुछ छूट मिलेगी। सो गाइस, SOP के अंदर दोस्तों आपको क्या कुछ बैठक व्यवस्था रहने वाली है दोस्तों, किस प्रकार छात्रों को बुलाना है। जैसे दोस्तों आपको बता होगा, बात पहले ही यहाँ पर कही गई है गाइडलाइन के अंदर की 50% क्षमता होनी चाहिए। तो दोस्तों वो 50% क्षमता ही रहेगी या फिर इसको चेंजेस किया जाएगा, वो SOP के अंदर लिखा होगा। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर SOP के अंदर जो 50% छात्रों को बुलाया जाएगा, उन छात्रों को कितने गैप के बाद दूसरे छात्रों को बुलाना, वो भी उसके अंदर रहेगा। और दोस्तों सैनिटाइजरिंग, ये व्यवस्था दोस्तों पूरी गाइडलाइन की सख्ती से पालना, ये सभी उस SOP के अंदर पूरी तरीके से लिखे हुए हैं। तो क्या जिस SOP को जारी करने के बारे में दोस्तों अभी भी लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। जी दोस्तों, CM गहलोत के अनुसार जो बैठक व्यवस्थाएं हो रही है उसको लेकर SOP की जारी करने के बारे में कहा गया था कि इसी हफ्ते SOP जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों आज 15 अगस्त है और आज के दिन दोस्तों SOP जारी करने के बारे में कहा गया था। सो कह जहाँ शाम तक यदि SOP जारी होती है तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों 2-3 दिनों के अंदर ये SOP जारी कर दी जाएगी और इसको दोस्तों पूरी तरीके से तैयार कर लेगा। SOP के अंदर संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, जैसे ही दोस्तों आएगी तो मैं आपको उसका वीडियो बनाकर जरूर से बताऊंगा। अब दोस्तों SOP आने में कितना वक्त लगेगा ये पहले तो नहीं बता सकते, लेकिन दोस्तों 2-4 दिन और लग सकते हैं, क्योंकि SOP के अंदर दोस्तों पूरी तरीके से सख्ती बढ़ती जाएगी, क्योंकि फिर से यदि डेल्टा प्लस वेरियंट के केसेज बढ़ने लग गए तो स्कूलों को बंद करना पड़ेगा। इसी कारण से दोस्तों कहा जा रहा है कि SOP के अंदर पूरी तरीके से सख्ती रहने वाली है, और यदि SOP के अंदर पूरी तरीके से सख्ती और गाइडलाइन की सख्ती से पालना होगी तो स्कूल कॉलेज आगे तक जारी रखे जाएंगे। और यदि ऐसा मुझे कोई स्कूलों के अंदर से कोरोना के नए केसेस सामने आए तो फिर स्कूलों को तुरंत ही बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। सो अगर इसी कारण से SOP के अंदर पूरी तरीके से सख्ती बरतने को लेकर बोला जा रहा है। अब दोस्तों जल्दी इसके बारे में SOP जारी कर दी जाएगी, आपको जानने के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना होगा, वहाँ से दोस्तों आप जल्द से जल्द SOP को देख पाएंगे। उसका दोस्तों लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर अबाउट सेक्शन में, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ऐसे दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ दोस्तों बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि दोस्तों हर एक न्यू अपडेट आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिले। अगले वीडियो मिलता हूँ दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, जल्द दोस्तों SOP जारी होगी, इसके बारे में दोस्तों आप किसी भी तरह की चिंता और संदेह न करें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स।